हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड नेक्स्ट एक्शन। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो। ओके, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स के मेन फीमेल एक्सपेक्टेशन पाथवे कॉफिन Despair and we have house. Okay. सबसे पहले तो गाइज, आपके जो पर्सन है और आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज वी हैव पाथवे कार्ड। ठीक है, तो आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन ना आपसे बहुत लव करते हैं, बिकॉज वी हैव मेन फीमेल। यहाँ पे पर्सन है, इसके हाथ में रोज है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको लाइफ के सारे कंफर्ट लग्जरी आपके पास लाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना परेशान है इस वक्त बिकॉज ऑफ दैट जॉब। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन परेशान है अपने जॉब की वजह से। मे बी उनके पास जॉब नहीं है, या उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, लेकिन या फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में वो इस वक्त। ठीक है, और उस वजह से ना वो आपको भी ढंग से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और आपके पर्सन जानते हैं कि आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। ठीक है, आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रखी है अपने पार्टनर से, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा है इस रिलेशनशिप से, लेकिन अभी आपके पर्सन वो सब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए बुरा भी लगता है, बिकॉज आपके पर्सन ट्रूली आपसे लव करते हैं और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस हर चीज़ में ना एक चेंज आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप में चेंज लाने की, सिचुएशंस में चेंज लाने की, चीज़ों में चेंज लाने की, बदलाव लाने की। ठीक है, एंड वी हैव हाउस, तो ये हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर की फैमिली ना मान रही हो, या फिर आपके पार्टनर अभी बिजी हैं अपने इस मटेरियल लाइफ को क्रिएट करने में। ठीक है, या फिर वो आपके साथ अब ये सॉलिड सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, ग्राउंडेडनेस हो, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से अभी वो आपको फुल एंड फाइन वाला कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। मे बी डिस्टेंस एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके बीच में डिस्टेंस है अभी, दैट्स वाई आप लोग ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके बीच में जनरली एक डिस्टेंस आ गया है, ये भी दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं गाइज, इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स ल्यूमिनोसिटी, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ही रिस्पेक्ट है आपके लिए, इंटिमेसी, सी लव अट्रैक्शन, अबंडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कनेक्शन। सो ल्यूमिनोसिटी, इंटिमेसी, कनेक्शन, अबंडेंस, सो डेफिनेटली कनेक्शन तो फील करते ही हैं आपके साथ। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, वो मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं, जो आपके संग टाइम स्पेंड करा है उसको मिस कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह से कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे, और आपके लिए फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, डेट पे मिलना चाहते हैं, या आपके संग अलग से एक इंटीमेट टाइम आपके पार्टनर स्पेंड करना चाहते हैं इस वक्त। ल्यूमिनोसिटी, बहुत अट्रैक्टेड है, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो ना, जो भी आप पॉजिटिव रह रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, उस वजह से इस पार्टनर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन, लव, रिस्पेक्ट और बढ़ रही है इस पार्टनर में। ठीक है, और वो देख रहे हैं कि आप में कितना अच्छा चेंज आ रहा है। ठीक
आपके और अबंडेंस, तो ये पार्टनर वर्क कर रहे हैं अपनी अबंडेंस पे, अपने करियर पे, ताकि आपको ये अबंडेंस वो लाइफ में दे सके इन द फ्यूचर। देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा फील करते हैं ये पर्सन, कनेक्शन है, ट्रू लव है। अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। हर्ट तो है ये पर्सन भी, तभी हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। टेन ऑफ सोड्स, सी हर्ट तो है ये पर्सन काफ़ी, कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। टेन ऑफ कप्स, डेविल, अट्रैक्शन भी बहुत है आपके लिए, लव भी बहुत है। टेन ऑफ वाओ एंड बॉटम दैट वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस वाओ, टेन टेन एंड वी हैव टेन, टेन 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 एंजल नंबर। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन ना लो, ये एक्शन लेंगे। और सन कार्ड आया है तो एक्शन तो बहुत अच्छा वाला एक्शन लेंगे ये आपके लिए। जो भी ये हर्ट और नेगेटिविटी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। इस पार्टनर को आप टाइम दो, ठीक है, 9-10 दिन का टाइम दो आप इस पर्सन को। डेफिनेटली ये जो भी हर्ट है, इनकी जो भी इनके लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है ना, उस पर वर्क करेंगे, ये समझेंगे कि क्या चीज़ है जो इनको रोक रही है, ठीक है। बिकॉज़ ये पार्टनर कहीं नहीं जा रहे हैं, इतने बंधे हुए हैं ये पर्सन आपसे। अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत सॉलिड, अट्रैक्शन, लव, कनेक्शन। आप दोनों के लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन आप दोनों दूर नहीं जा पाओगे, ओके। एंड डेफिनेटली कहीं भी हैं द वर्ल्ड, कहीं भी हैं, दूसरी कंट्री में है, स्टेट में है, आपसे कनेक्टेड है ये पर्सन, ठीक है, आपसे कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। और ये साइकिल ख़त्म होगी आपके बीच की, नेगेटिव साइकिल, और नया सूरज निकलेगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, अंधेरा ख़त्म होगा और नया सूरज निकलेगा आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप इनको, ताकि थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल कर सकें। दैन टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं ये, बच्चे, शादी, एवरीथिंग, ओके, घर, और मटेरियल वाइज भी आपके साथ ही ग्रो करना चाहते हैं ये, एक फैमिली चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। सो बहुत ही लंबे लंबे प्लान्स हैं इस पार्टनर के आपके लिए। सन, द वर्ल्ड, आपके साथ वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया देखना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। सो बहुत ही आपको बहुत अच्छे ट्रीट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप इनके साथ। और देख लेते हैं गाइस आपके फ्यूचर के लिए, थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन, फ्यूचर में क्या होगा। फर्म फाउंडेशन, स्टेबिलिटी आ रही है इस कनेक्शन में। अवेयरनेस, अवेयरनेस भी आएगी इस पार्टनर को। सॉलिट्यूड, डिस्ट्रप्शन, वाओ, वी अ कपल, हाई प्रीस्टेस एंड द मैजिशियन का कपल आया है। बड़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पेशेंस का कार्ड आ गया फिर से। सो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा आपको अकेला भी फील हो सकता है, ठीक है, थोड़ा अकेलापन रह सकता है कुछ वक्त के लिए। और बिकॉज इस पार्टनर के अपने कुछ फियर्स जिन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डरते हैं ये पर्सन शायद एक्शन लेने से या फ्यूचर के बारे में सोच के। ये पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं एक फॉर्म फाउंडेशन अपनी लाइफ में, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन आएगा, और आपका यूनियन तो डेफिनेटली होगा गाइस, बिकॉज वी हैव द कपल कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड मैजिशियन। डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो और इस पार्टनर में अवेयरनेस आएगी, और आप दोनों का बहुत ही स्पिरिचुअल कपल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गॉड आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ओके। सो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पेशेंस रखना है अभी इस वक्त, और ये द सन वाली हैप्पीनेस आपको मिलेगी। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ मिलेगा ये आपको। चलिए गाइडेंस देखते हैं गाइज आपके लिए, गाइडेंस फॉर योर कनेक्शन। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग करिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. तो प्राइड को नहीं लाना है बीच में, ईगो एटीट्यूड ये सब नहीं लाना है बीच में. यू आर गुड एनफ, तो अभी अभी के लिए आप गुड एनफ हो. अभी आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको अकेला फील नहीं करना है. आप अकेले हो अभी, लेकिन आप एनफ हो अपने लिए. जब आपका सही टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो आपका यूनियन डेफिनेटली हो ही जाएगा. लुक एट द बिगर पिक्चर. तो छोटी छोटी फाइट्स पे ध्यान देने की बजाय आप बड़ी पिक्चर पे ध्यान दो कि आप बड़े गोल्स क्या हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए. ठीक है, तो उस पे ध्यान दो. यहाँ से देखते हैं, गुड न्यूज़. सी, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में. इस पर्सन की साइड से गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट कर रही हो. कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आपको बहुत जल्द इस कनेक्शन में. ग्रेट पैशन, तो पैशनेट तो हो एक दूसरे के लिए दोनों, इसमें तो शक नहीं है. देन ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सी, आप फालतू चिंता कर रहे हो छोटी सी बात पे, तो चिंता मत करिए. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. तो आपकी बहुत ही दिल से जो आपने दुआ करी ना इस रिलेशनशिप के लिए, सिंसियर विश, वो ग्रांट हो जाएगी. वो हाँ, बिल्कुल आपको हाँ मिलेगी वहाँ से. गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी. वर्ड ऑन द डेक वी हैव मनी विल बी कमिंग. तो मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड यहाँ पे है गारंटीड सक्सेस. तो सक्सेस तो गारंटीड आप अट्रैक्ट कर रहे हो. सो गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है. बस पेशेंस रखो, ठीक है, और ट्रस्ट करो डिवाइन के ऊपर. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.